गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भोजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही एक प्यारी बुक का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जॉय एंड हीलिंग। इनको इनके लेखक टॉरकॉम सैडियन हैं, और जैसा कि वो विजडम देने में कहीं पर भी कोई कंजूसी नहीं करते, इस बुक को जो सिर्फ जॉय के ऊपर है, इतनी बड़ी बुक उन्होंने लिख डाली। और ये अभी वर्तमान युग की बहुत आवश्यकता भी है। यदि याद करेंगे फ्रेंड्स, तो पहले हम छोटी छोटी खुशियों में भी कितने खुशी को जाहिर करते थे, एक्सप्रेस करते थे, लोगों से मिलना जुलना था, घंटों के गपशप, मस्ती, सब कुछ था। पर जितने हम डिजिटली एडवांस होते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता विकसित होते जा रही है, हमारा मिलना कम हो गया है, और अब हम छोटी छोटी खुशियों को एक्सप्रेस नहीं करते, खुश नहीं होते। हमें बड़ी खुशियों का इंतजार रहता है, जबकि भूल जाते हैं कि इस बड़ी खुशी के इंतजार में कितने अनगिनत हमने छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर दिया है। जब मैंने इस बुक को पढ़ा, तब मुझे भी रियलाइज हुआ कि वाकई जॉय हमारी लाइफ में होना ही चाहिए। ये बुक जॉय एंड हीलिंग पर है। सिर्फ हीलिंग के पर्पस से नहीं बताया गया है इसमें, इसमें हर चीज के लिए बताया गया है कि किस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, किस तरीके से आप अपने इस जन्म को और आने वाले बाकी जन्मों को भी अच्छा बना सकते हैं, सिर्फ इस जॉय को फील करके। तो हैप्पीनेस और जॉय में क्या फर्क है, हैप्पीनेस से जॉय में कैसे जाएं, जॉय से हम ब्लिस में कैसे जाएं, इसका पूरा वर्णन इस बुक में किया गया है। ये बहुत बड़ी बुक है, पर मेरी पूरी कोशिश है कि ये दो सेशंस आज और कल में मैं आप लोग के सामने इसके मेन पॉइंट्स रखूं, ताकि अगर आपके जीवन में भी छोटी छोटी खुशियां आ रही हैं, तो उसको भरपूर ठहर कर, रुक कर उसको इंजॉय करें, उस जॉय को फील करें, फ्लो करें। तो हम इस बुक का स्वाध्याय करेंगे, पर 45 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। तो जिन्होंने भी चश्मे पहने हों, वो चश्मे उतार लें, अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार कर लें फ्रेंड्स। कमरे की रोशनी मध्यम कर लें, सुखासन में बैठ जाएं, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें, और आंखों को बंद कर अपनी आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाएं।
Thank you.
Thank you.
3, 2, 1, 0. अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाएंगे. 5, 4, 3, 2, 1, 0. हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों को भी आहिस्ता आहिस्ता एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे. थैंक यू फ्रेंड्स. आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई भी मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दे. थैंक यू. तो चलिए फ्रेंड्स, आज और कल हम टॉकॉम की बहुत ही प्यारी बुक जॉय एंड हीलिंग के बारे में स्वाध्याय करेंगे. ये बुक का पीडीएफ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बुक को आप लोग जरूर से पढ़ें, क्योंकि इस बुक का सिर्फ एसेंस ही मैं आप लोगों को दे सकती हूँ. इनके एक एक वर्ड्स,
एक एक छोटे छोटे इंसिडेंट मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, वरना मुझे शायद 3-4 सेशन लग जाएंगे। तो बहुत ही प्यारी बुक है और समझाया गया है कि हमारी खुशी न केवल हमारा स्वास्थ्य, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इस जीवन के अलावा आने वाले कई जन्मों तक कायम रहती है और उसे बेहतर से बेहतर बनाती है। ये बुक बहुत बड़ी तो नहीं है पर इम्पोर्टेंट जरूर है। इस बुक का कई लोगों ने स्वाध्याय भी किया है और आज मैं बहुत ही ब्लेस फील कर रही हूँ कि इतनी प्यारी बुक मैं आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। सॉरी, इस बुक का हिंदी में नहीं है, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा और टॉरकॉम की बुक हिंदी में सिर्फ 2 ही आई हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है जैसे दूसरे बुक्स में रहते हैं, इंट्यूशनल प्लेन वगैरह, देवाचन, इन सब में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक को लिखा क्यों टॉरकॉम ने, उसके बारे में उन्होंने स्टार्टिंग में बताया है कि टॉरकॉम कहते कि मैं बहुत सारे जॉयफुल लोगों से मिलता था और उनसे बहुत अट्रैक्ट भी होता था। मेरी इच्छा हुई जानने की कि ये जॉय है क्या, क्यों लोग इतने खुश रहते हैं और इसको कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे कल्टीवेट करें हम इसको, क्योंकि मैंने देखा कि जॉयफुल लोग बहुत ही क्रिएटिव हैं, सक्सेसफुल हैं, हैप्पी हैं और मैग्नेटिक फील्ड है, एकदम आकर्षण है उनके में, और हेल्दी तो है ही। नहीं तो मैं लोगों को देखता था कि जो जॉयफुल नहीं है वो लेजी हैं, वो कोई अपना काम ढंग से नहीं करते हैं और बुराई और गॉसिप में ही अपने जीवन को बिताते हैं। बोले मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी पर कहीं पर भी जॉय का वर्णन नहीं था। उन्होंने एक टीचर से पूछा, जैसे मैंने कल बताया था कि वो बहुत क्वेश्चंस करते थे अपने टीचर से, तो उनसे पूछा कि जॉय है क्या, तो उनके एक टीचर ने बताया कि जॉय व्यक्ति की वातावरण और उसके फिजिकल एंड इकोनॉमिक वेलबींग का अवस्था के कारण होता है। मतलब उसका शारीरिक स्थिति कैसी है, मतलब हेल्थ और बाहर का वातावरण और उसकी इकोनॉमिक वेलबींग के कारण है। पर बोले ये मेरे को आंसर नहीं समझ में आया। फिर इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने लग गए और बाद में टॉरकॉम ने कहा कि मुझे समझ में आ गया कि ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो सभी परिस्थितियों और सभी शर्तों के पार है। सबसे ज्यादा उन्होंने जो जॉयफुल पर्सन देखा अपनी लाइफ में वो उनके फादर थे। वो पैदाइशी आशावादी थे, हेल्दी थे, सुंदर थे, एनर्जेटिक थे, उत्साही थे और बहुत ही श्रमी थे, बहुत कड़ी मेहनत करते थे। उनकी दवाई की दुकान थी उनके फादर की। तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया है जो वाकई सोचने के लायक है कि शायद हम भी उस जगह होते तो शायद वो नहीं कर पाते जो उनके फादर ने कर दिखाया था। पर हाँ, हम इंस्पायर जरूर हो सकते हैं उनके फादर से कि यस, अगर मेरी लाइफ में भी कभी ऐसी सिचुएशन आई तो मुझे टॉरकॉम के फादर को फॉलो करना चाहिए। हम इंस्पायर्ड होते हैं ना एक दूसरे से। तो एक दिन गर्मी की दोपहर थी, सुबह थी, 2 पुलिसमैन उनके पापा के दवाई की दुकान में आए और फार्मेसी शॉप को उन्होंने लॉक कर दिया और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक के आप दुकान नहीं खोल सकते क्योंकि वहां पर किसी दूसरे, क्योंकि सभी फार्मेसी की जो दुकानें थी वो आर्मेनिया के जो लोग आए हुए थे उन लोगों ने बनाई थी, तो किसी और दूसरे फार्मासिस्ट की दवाई के कारण किसी ऑफिसर की डेथ हो गई थी, पॉइजन था शायद उसमें, तो उसके कारण इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और 1 हफ्ते तक के आपको इन्वेस्टिगेशन के कारण दुकान बंद रखनी पड़ेगी। और वो जब लेके चले गए चाबी तो उसके पापा बहुत शांत थे और बहुत ही प्यारी सी एक स्माइल देके बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं। घर जाते हैं, उनकी वाइफ भी बड़ा स्माइल देती है कि कैसे घर आ गए, तो कहते हैं कि चलो छुट्टी का टाइम है और घूमने चलते हैं। उनको घुमाने लेके जाते हैं पूरी फैमिली को और समय बीतते जाता है पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। 1 हफ्ते के बजाय 6 महीने उनके पापा की दुकान बंद रहती है।
6 महीने के बाद जब पुलिसमैन उनकी चाबी लौटाने आती है तो उसके पापा बड़े खुश होते हैं और रास्ते में कहते हैं कि टॉर्को, मैं अपने पूरे जीवन को एक खेल की तरह लेता हूँ, एक गेम है, बिल्कुल सीरियस नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी सत्य नहीं है, जो दिख रहा है वो कुछ भी सत्य नहीं है, जीवन में होने वाले लाभ हानि एक्टर्स में कोई अंतर नहीं लाता, पैसा बनता है, खो जाता है और फिर से कमाया जा सकता है। ऐसा करके उसके पापा शॉप खोलते हैं। शॉप में एक सेफ था, तिजोरी जैसे रखते हैं, उसके पापा अपने घर की सारी ज्वेलरी और एक्स्ट्रा कैश वगैरह उसी में ही रखते थे। जब वो दरवाजा खोलते हैं दुकान का तो उनका सेफ खाली रहता है, कोई चोर उनके यहाँ चोरी करके जा चुका है, सब कुछ कैश ज्वेलरी गोल्ड सब कुछ चला गया था। उसके पापा जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि मैं जानता था कि यही होगा, बंद दुकान में चोरी ही होगी, चलो एक बढ़िया लंच लेने चलते हैं। अपने बेटे को लंच लेने चले जाते हैं और अपने रात को अपने सब फ्रेंड्स लोगों को बुलाकर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं कि अब मैं एक जीरो से, एक बिग जीरो से शुरू करने वाला हूं अपनी जिंदगी। और शुक्र है भगवान का कि ऐसी ट्रेजेडी ने भी मेरे दिल से मेरे जॉय को नहीं छीना। सिर्फ अफसोस इस बात का रह गया कि ये 6 महीने में मैंने गरीब लोगों को फ्री में मेडिसिन नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पापा मेडिसिन देते थे गरीबों को फ्री में। सिर्फ अफसोस इस बात का है। कुछ सालों के बाद उसके पापा कहते हैं कि टॉर्कम, तुमको याद है कि वो ट्रेजेडी, अगर उस ट्रेजेडी में मैं ट्रैप में फंस जाता तो डिप्रेशन, एंगर, हेट्रेड, इरिटेशन, इन सब में मेरी पता नहीं कितनी एनर्जी लॉस हो जाती, वो सब मैंने बचा ली। धैर्य, जॉय और शांति, ये तीन डायमंड है। धैर्य, जॉय और शांति, ये तीन डायमंड है जिसको हमको हमेशा फ्यूचर के लिए सेफ रखना चाहिए। टॉर्कम कहते हैं इस घटना के बाद मैं और जॉय को और उसके प्रति अवेयर होते गया कि मेरे पापा तो हैं जॉयफुल, पर और क्या क्या हैं। तो उनके साथ जो कई फ्रेंड्स थे वो सन्यासी थे और वो कंटिन्यूस एक्टसी में रहते थे, परमानंद की स्थिति में रहते थे हमेशा। और कुछ टीचर्स तो ऐसे थे कि जिनके रूम में आते ही रूम का वातावरण ही पूरा खुशी से भर जाता था। एक टीचर थे जो प्रकृति के बहुत करीब थे, वो कहते हैं कि वो हर चीज को इतना एडमायर करते थे, इतना खुश रहते थे कि उनकी 117 साल में हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसकी डेथ हुई थी। और फिर 1939 में जब टॉर्कम टीचिंग में आए, जब उन्होंने बकायदा लोगों को टीच करना शुरू किया तो कहा कि ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज हो गया कि टीचिंग में अपने जॉय को बरकरार रखना। सभी इरिटेट भी हो जाते ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी, तो वो भी हो जाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मिरेकल्स वो बता रहे हैं जॉय का, मैं फटाफट आप लोगों को बता रही हूँ, आप समझ जाइएगा है ना क्या क्या मिरेकल्स होते हैं जॉय से। तो हर एक सेंटेंस में, पहला सेंटेंस हर पॉइंट के पहले वो लिखते हैं कि जॉय आपके अस्तित्व की अवस्था है, आपकी बीइंगनेस की अवस्था है, जहां आपकी चेतना, बाहरी वातावरण, विचार, इमोशन, गतिविधियों के पार है। ऐसी कॉन्शियसनेस की स्टेट जो बाहर के किसी भी एक्टिविटी, एक्शन, मतलब थॉट, इमोशंस के बियॉन्ड है। जॉय इसलिए नहीं है कि आपके आसपास सब ठीक ठाक चल रहा है, सब चीजें खूबसूरत है, सब चीजें शांत है, एकदम कोई चिक चिक नहीं कर रहा, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, इसलिए नहीं है। जॉय इसलिए है क्योंकि ये आपके कोर से आपके व्हीकल में फ्लो हो रहा है। अर्थात जॉय एक ऐसी स्थिति आपकी चेतना की जो आप हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि जॉय आपकी अस्तित्व की वो अवस्था है जो आपके प्रेम को और यूनिटी को, एकत्व को, के बोध को सीमित नहीं करती। कोर ऑफ मैन जो हमारा केंद्र है वो ब्लिस है। जितना आप अपने ट्रू सेल्फ के पास जाएंगे, अपनी आत्मा के करीब जाते जाएंगे, उतना ही आप ज्यादा ब्लिसफुल होते जाएंगे। और हम सभी इसी को तो ढूंढ रहे हैं। हम तीन बॉडीज के प्रॉब्लम से डिटैच होकर जब
हायर स्टेट से जुड़ते हैं, अर्थात तीन बॉडीज कौन कौन सी, याद रखिएगा, वो अतिरिक्त की बात नहीं करते हमेशा, फिजिकल, शरीर में कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई बात नहीं, विचार ठीक नहीं चल रहे हैं, कुछ इमोशंस भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, दुख है, कुछ किसी ने हर्ट कर दिया, इन सब तीनों चीजों से, तीनों बॉडीज के से आप जब डिटैच होके हायर स्टेट से जुड़ते हैं, तब आपकी जॉय और ब्लिस बढ़ता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, क्रमशः उनका जीवन डीप जॉय में जाता है और इस फियर ऑफ ब्लिस को वो टच करते हैं। वो कहते हैं कि ब्लिस अगर आप जो महसूस करते हैं ना, कुछ क्षणों के लिए आप एकदम परमानंद में जब रहते हैं, वो आपके वो ब्लिस की एक छोटी सी बूंद के बराबर है। आप पूरे ब्लिस को जान ही नहीं सकते जब तक कि आप निर्वाणा स्टेट में ना पहुंचे। निर्वाणा को कितने लोगों ने कैसे कैसे किया है, अभी छोड़िए, चलिए ठीक है। तो आप स्फीयर ऑफ ब्लिस को टच करते हैं, जॉय आपके व्यक्तित्व में अचानक आता है, खुशी आती है और चला जाता है। अगर तुम उसको अनुभव के लिए समय दो और जितना संभव हो सके उस खुशी को फ्लो करते रहो, तभी आप उसके स्वाद और कीमत को पहचान पाओगे। पर आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, आपकी ऑरा में अनेकों जॉय के कैप्सूल्स तैर रहे हैं, फ्लोट करते रहते हैं, जिसको आपने दबा कर रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई फूल देखा। हाँ एक मिनट, मैं कविता तुम्हारा जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपने कोई फूल देखा, बहुत सुंदर फूल है, आप करके कहोगे कि कितना सुंदर फूल है, फिर आप तुरंत टर्न कर लेते हो अपने फेस को और कुछ और करने लग जाते हो। आपको उसको निहारना चाहिए, उसके पेटल्स को, उसकी क्रिएशन को, कि गॉड ने कितना सुंदर फूल बनाया, उसके क्रिएशन को देखो, उसकी स्मेल के, उसके फ्रेग्रेंस को, आप खुशबू को लो। इस प्रकार से हम हर ब्यूटी को एडमायर करके उसका उसकी जॉय को हम फील कर सकते हैं, पर हमेशा हम जल्दी में रहते हैं। तो दो प्रकार के ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक होता है पर्सनालिटी से आइडेंटिफाइड होके कि हाँ फूल देखा, हाँ सुंदर, ठीक चलो छोड़ दिया। दूसरा आप फ्लो ऑफ जॉय करते हो लंबे समय तक के, मतलब उस फूल को निहार के या सनसेट को निहार के, देखिए क्लाउड्स में कैसे सन रेज गिर रही है और कितनी सुंदर पेंटिंग क्रिएशन है उस ईश्वर की। तो आप हाँ बिल्कुल, तू आशा जी बिल्कुल फील करो ना, मैं सनसेट को देख के बहुत करती हूँ, मुझे लगता है कि कितना सुंदर, मतलब वहीं पे पर्पल, वहीं पे ऑरेंज, हर कलर वहां पे रहते हैं। तो आप निहारा करिए कभी उस ऑरा में, अपने जॉय के को फ्लो करने दिया करिए। तोरकम कहते हैं कि आपके ऑरा में बहुत जॉय के कैप्सूल्स सर्कुलेट होते हैं, पर आपने उसको ब्लॉक कर दियो और क्रिस्टलाइज कर दियो। जब हम ब्लॉक कर देते हैं और क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, तो बहुत हमको ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। इससे डिप्रेशन भी आता है, दुख भी होता है, और सैडनेस वगैरह, ग्रीफ सब आती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक लड़की थी वियतनामी, वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करती थी, बहुत खुश रहती थी और प्रेमपूर्ण उसका जीवन था, पर अचानक उसके बॉयफ्रेंड का कत्ल हो जाता है और उसका जो जॉय था, उसका जो लव था, वो फ्रोजन हो गया उसके दिल में और चेतना में। वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई और हंसना बोलना छोड़ दिया। तो टॉरकॉम ने कहा कि ऐसे कई क्षण होते हैं हमारे जीवन में जहां पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे सामने कुछ ट्रेजेडी या कुछ हादसा ऐसा होता है, तो ऐसे टाइम में आपको उसका सामना करना समझना चाहिए। फिर टॉरकॉम ने कहा कि जब आप जॉय को हैंग ऑन करते हो, उसको पकड़ के रखते हो, उसको टेस्ट करते हो, इनहेल करते हो, अपने ऑरा में फ्लो होने देते हो, जैसे कोई सनसेट को देखकर, या कोई पोयम को आप सुन रहे हैं, या कोई म्यूजिक को सुन रहे हैं, आपको कोई भी चीज है उसको कुछ क्षणों तक के आप बरकरार रखिए,
कुछ क्षणों का जॉय आपके महीनों तक के आपके वो तीनों बॉडीज में आपको सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल और वाइटल बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। तो अपने जॉय के क्षणों को, अपने खुशी के क्षणों को वेस्ट मत जाने दिए, व्यर्थ मत जाने दिए। देखिए मैं जॉय का मीनिंग बता रही हूँ ना आपको, तो आप हैप्पीनेस आप ये समझ लीजिए खुशी, है ना। तो जॉय को आप हिंदी में समझ लीजिए आनंद, क्योंकि जॉय का कोई एंटोनिम्स नहीं है, विपरीत विलोमी विलोमान नहीं है, समझ गए ना, वो विपरीत शब्द। सुख का दुख है, खुशी का दुख है, पर आनंद का कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं है, विलोम, हाँ विलोम, है ना। ब्लिस परमानंद एक्टेसी जिसको हम कह सकते हैं। तो टॉर्कम कहते हैं कि कई लोग जानवरों के समान बस खाना ठूसते हैं अपने मुंह में और जल्दबाजी में खाते हैं, हर चीज को हमको फील करना है उस जॉय को, चाहे खाना खाते समय या कोई भी चीज के लिए। फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जॉय आपके अस्तित्व की वो अवस्था है जो आपके वातावरण और आपके जीवन को सुंदर बनाती है। जो लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कष्ट में है, दर्द में है, उनको बाहर लाने में मदद करती है, या मानवता के विकास के लिए, उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करती है, एक्चुअली वो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, उनको जॉय प्रेरित करती है। मतलब जो सर्विस में जो काम करते हैं उनको जॉय प्रेरित करती है। जॉयफुल लोग के साथ आप उत्साह महसूस करते हैं, आपको लगता है कि हाँ आपको भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, श्रम अपने पर्पस ऑफ लाइफ या अपने लिए कुछ भी प्रयास करना चाहिए। जॉयलेस लोग जो होते हैं, जिनके में कोई खुशी नहीं होती है, जो गुस्से में रहते हैं, नफरत में रहते हैं, वो पूरे स्पेस में अर्थात ब्रह्मांड में एविल क्राइम हेट्रेड दूसरों में भी नरिश करते रहते हैं। जितना जॉय दोगे उतनी गुडनेस, उतनी मतलब उतनी अच्छाई, क्रिएटिविटी और सज्जनता इस ब्रह्मांड में बढ़ाओगे। क्रिमिनल्स, प्रिजनर्स, इंसेन लोग ऐसे घरों से आते हैं जहां दुख, क्रोध, नफरत, लालच और घमंड होता है। फ्रेंड्स मैं नोट्स पढ़ रही हूँ क्योंकि वो इतना वास्ट नॉलेज है कि मैं चाहूं भी तो नहीं याद कर पाऊंगी, तो थोड़ा सा बेयर करना, मेरे को पढ़ना पड़ रहा है। बहुत प्यारे उनके शब्द हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, इसीलिए मैंने उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ आप जॉय के मोमेंट्स को बिताइए ताकि वो सफल और खुशहाल जीवन जी सके। आपकी जो खुशी है उसके कारण लोग आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि आपकी जॉय उनकी आत्मा का पोषण करती है। अगर तुम जॉय के साथ टीचिंग करते हो, सिखाओगे किसी को भी, तो वो याद रखेंगे आपकी टीचिंग्स को और आपके समान ही जीना चाहेंगे। और अगर आपने डर गुस्से से टीचिंग किया तो वो आपके वर्स्ट एनिमी बन जाएंगे, रिबेलियस बन जाएंगे। ये बच्चों पे भी लागू है, अगर बच्चों को भी सिखाना है तो जॉयफुली होके उनको खुशी से आप हर चीज सिखाइए। फिर फोर्थ पॉइंट वो लिखते हैं कि वो आपके जॉय आपके अस्तित्व की वो अवस्था है जिससे आप प्रेरणा, एबंडेंस, हार्मनी और वाइटलिटी को आकर्षित करते हैं। ये मिरेकल्स हैं और ये वाकई हर एक पॉइंट उनका बहुत बहुत क्या बोलना चाहिए, ऑथेंटिक है। मुझे बहुत पॉइंट्स ही पसंद आए, इसलिए मैंने बिल्कुल डॉट टू डॉट लिखे आप लोगों के लिए। ये ऑरा की केमिस्ट्री को वो चेंज करती है। जॉय जो है वो आपकी ऑरा और आपकी तीन बॉडीज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। अब मैं तीन बॉडीज बोलूंगी, आप लोग समझ जाना, मैं बार बार तीनों बॉडीज का नाम नहीं लूंगी, ठीक है। उसमें केमिस्ट्री में ऐसा चेंज करती है कि वो सभी चीजें मैग्नेटिक हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, आपकी आत्मा, आपके टीचर्स, आपके हायर सोर्सेज से आपको प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो वातावरण है, वो जो ऑरा है, वो उस इंस्पिरेशन को ट्रांसलेट करके क्रिएटिविटी में यूज करती है। जैसे मान लीजिए मैं जॉय में हूं, मुझे इंस्पिरेशन मिली एग्जांपल के तौर पे कि नीता तुमको कुछ लिखना चाहिए, मेरा मन भी हुआ,
पर अगर मैं जॉय में नहीं हूं तो वो उस इंस्पिरेशन को इग्नोर कर सकती हूँ, पर अगर मैं जॉय में हूं तो उसको कैच करूंगी, एब्जॉर्ब करूंगी और उसको यूज करूंगी अपनी क्रिएटिविटी में। समझ गए आप लोग? एबंडेंस के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है कि अगर आप जॉय में हैं तो बुक्स, मनी, लैंड, ऑब्जेक्ट्स आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ एबंडेंस जानता है कि आप इसे मानवता यानी कि कल्याणकारी कामों में यूज करोगे। मेरे में बहुत बहुत मतलब मैं जब से सर्विस में आई हूँ बहुत खुश रहने लग गई हूँ और एबंडेंस मेरे पास बहुत है, सिर्फ पैसे का नहीं, प्यार का, बुक्स का। जैसे मैं कल आप लोगों को बता रही थी कि मेरे पास ऑटोबायोग्राफी ऑफ टॉरकॉम नहीं है, किंडल में भी नहीं थी, नहीं तो मैं खरीद लेती, मेरे हस्बैंड कभी मना नहीं करते चाहे कितने भी हजारों की मैं बुक्स मंगाऊं। तो मैं कल जब सेशन ली तो उसके बाद पिंकी चनेजा ने मुझे मैसेज भेजा और पीडीएफ भेज दिया टॉरकॉम की ऑटोबायोग्राफी। मैंने कहा यार तुम मुझे एक दिन पहले क्यों नहीं दिए, बोले मुझे मालूम ही नहीं था मैम आपके पास नहीं है। तो मैं उस बुक को पूरा पढ़ूंगी और उनके नेक्स्ट बर्थडे पे उनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे पास बुक्स आ जाती है, मेरे को कितनी टॉरकॉम की जो एक सबसे महंगी बुक है आर्ट ऑफ टीचिंग, कल मैं दिखाना भूल गई थी, वो इतनी मोटी बुक है, उसकी प्रिंट आउट करके और भी कई बुक्स की प्रिंट आउट करके मेरे फ्रेंड मुझे हाथ में देके जाते हैं कि नीता तुम पढ़ना। तो एबंडेंस होता है जब आप जॉय करते हो। तो उन्होंने कहा है कि हर चीज आपके पास आती है क्योंकि फोर्स जानता है कि आप इसका सही यूज करेंगे। और जब आप जॉय में रहते हो तो आप फोर्सेस ऑफ हार्मनी भी अट्रैक्ट करते हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब आपके हारमोनियस थॉट होंगे, आपके हारमोनियस प्लान और गोल्स आपके पास होंगे, इमोशंस वैसे आएंगे आपके पास। एक्चुअल में आप जीवंत बनते हैं, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। पांचवा पॉइंट उन्होंने लिखा कि आपकी ये जॉय आपकी बीइंगनेस की वो अवस्था है जब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। जब आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगी तो आप लोअर और हायर किंगडम्स के लोगों से आप कम्युनिकेट कर पाओगे, प्रेम होगा उन लोगों से, आपका एक अटैचमेंट हो जाता है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सब सबसे। बिल्कुल उनका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, उनसे आप संवाद कर सकते हो, आपकी समझ बढ़ती है और आपको समझ में आ जाता है कि हम सब एक ही हैं, वननेस की तरफ आप बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट लिखा है उन्होंने कि आपकी वो बिगनेस की अवस्था है जहां पे आपको कोई सेपरेटिज्म की फीलिंग नहीं होती, कोई भी दरार नहीं होती, आपको अकेलापन नहीं होता, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। सेवन पॉइंट है कि वो अवस्था है जब आप ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ही जॉय है, क्योंकि जॉय में आप लिमिटेड नहीं रहते, आपको लगता है कि आप पूरे ब्रह्मांड हो, यूनिवर्स हो, बोलते ना सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल वैसे मैं तो बहुत पहुंचती हूँ। आप एक अलमाइटी क्रिएटिव पावर के एक अंश हो, आपको ये फील होती है ईश्वर तक पहुंचने का। एक रजनीश बहुत अच्छा एक राजा के बारे में जिक्र किए थे, मेरे को उस राजा का नाम ही याद नहीं आ रहा था, वो पूरे समय खुश रहता था, उसके राज्य में पूरे समय उत्सव होता था 12 महीने। तो कौन उसके पास जाता है, मुझे बहुत पहले की ये स्टोरी है कि उस राजा को मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, वो जॉय में है, वो परमात्मा के पास ही है। समझ गए आप? समझ गए होंगे। तो एक और पॉइंट लिखा है, बीइंगनेस आपकी धैर्य, आपकी सहनशीलता, आपकी कड़ी मेहनत और चेंजलेसनेस को विकसित करती है। चेंजलेसनेस को विकसित होना चाहिए, मतलब देखिए हमारे पास थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देता है तो हमारा फ्लक्चुएशन होता है ना, वो फ्लक्चुएशन, जब कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, कोई कंपन नहीं होता हमारी चेतना में, उसको कहते हैं चेंजलेसनेस, वो आपकी विकसित होती है। बाहर का कोई भी कुछ भी बोले आप खुश हो। जॉय इज पेशेंट, आपका धैर्य है, फ्लक्चुएशंस आपके अनहैप्पी होने का साइन है। किसी ने कह दिया मुंह लटका के बैठ गए, एक रिंकल आ गया, अरे चिंता में पड़ गए कि मेरी झुर्रियां आ गई, बाल सफेद हो गए तो चिंता में पड़ गए। एक जगह टॉरकॉम ने बहुत लिखा है कि एक बाल सफेद होने से भी लोग दुखी हो जाते हैं, एक मेरे में तो बहुत रिंकल्स हैं पर आई एम हैप्पी। अरे भाई एज है ठीक है, बाकी मैं 56 ईयर्स की यंग हूं।
जो भी है चलिए, तो उन्होंने कहा है कि आपकी जॉय, आपकी बींगनेस की नाइन्थ पॉइंट है आपकी वो अवस्था है जब आप जिम्मेदारी, धर्म और जीवन के कर्तव्यों का के बोध को विकसित करते हैं। आपके पास कोई जिम्मेदारी है, कोई बुजुर्गों की सेवा करनी है, कई लोगों के लिए खाना बनाना है, घर के काम करने हैं। अगर आपके पास जॉय नहीं रहा तो आपको वो बोझ लगता है, आप इरिटेट होते रहते हैं ना कि मेरे को इतना सारा काम करना। आप जॉय में रहेंगे तो आपको वो एक क्या कहते हैं, आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी ये सब चीजें कर्तव्यों का बोध विकसित करता है और आप अच्छी तरफ बढ़ते जाते हैं। इस बीइंगनेस, जॉय के बीइंगनेस की वो अवस्था है जहां पे आपकी संपदा खुल जाती है, आपके अंदर छिपे हुए जितने टैलेंट्स हैं, यादें हैं, अमूल्य पास्ट विजडम है, उपलब्धियां हैं, वो सब आपके कॉन्शियस माइंड में फ्लो करती हैं। यस, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सब आपको पता चलेगा, अरे मैं पोइट्री भी लिख सकती हूँ तो पोइट्री भी आप लिखने लग जाएंगे। जो भी हमने पास्ट लाइफ में किए हैं, टैलेंट्स वगैरह रखे हुए हैं जो हिडन है, वो खुल जाती है। 11th पॉइंट है कि आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडी इंटीग्रेट और अलाइन होती है, अलाइन टू द सोल। फिर आप किसी को भी दुख और कष्ट नहीं दे पाएंगे। जो अपने आत्मा के करीब रहता है वो किसी को भी दुख नहीं देना चाहता। 12th पॉइंट है कि डार्क फोर्सेस की अटैक या कोई बुरे एविल करेंट्स आपके जो चारों तरफ आते रहती हैं उनको वो कट कर देता है। जॉय आपके चारों तरफ एक शील्ड बनाता है, तो अपने जॉय को वो कहता है ढूंढो जिसको तुमने दबा कर रखा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि जॉय जिन लोगों में होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे, उनके अपीयरेंसेस क्या क्या हैं, उनकी आंखों में चमक रहेगी, चेहरे में चमक रहेगी, शार्प थिंकिंग के रहेंगे, अलर्टनेस रहेगा, सेंसिटिवनेस रहेगा, जीवंतता रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल वाइटलिटी, जीवंतता रहेगी, पंक्चुअल रहेंगे, हेल्दी अच्छे रहेंगे, उनकी लंबी उम्र रहेगी, खुलापन रहेगा, उनके में आजादी रहेगी, मतलब आजादी का मतलब वो किसी को इंटरफेयर नहीं करेंगे, फ्रीडम, खुद में भी ना किसी को इंटरफेयर करने देंगे ना किसी और में, कोऑपरेटिवनेस रहेगा, लोगों में लोगों को सहयोग करेंगे, लगन रहेगी उन लोगों में, कर्मठता रहेगी, खूब कड़ी मेहनत करेंगे। अब ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये है। तो एनर्जी क्या है जॉय की? जॉय एक एनर्जी है जो वो कॉन्शियसनेस की स्टेट है, पर इसकी जो जॉय की जो एनर्जी है वो रीजनरेटिंग है, आपको रीजनरेशन का काम करती है, आपका शुद्धिकरण करती है, प्यूरिफाइंग है, एक्सपैंडिंग है, फैलती है, जितना जॉय आप देते भी जाएंगे और बढ़ते जाएगा, संयोजन करती है, लिंकिंग है, अनफोल्डिंग है, खोलती है, हार्मोनाइजिंग है, डिस्पर्सिंग है, बिखरती है। आप किसी जॉयफुल आदमी के पास रहिए, आप थोड़ी देर में खुशी से भर जाएंगे। तो जॉय इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण, रूप परिवर्तन और सुधार की एनर्जी है। अब एक्सरसाइज बताया है जॉय का, मैं तो आप लोग को मेडिटेशन के टाइम में ये सब करवा सकती थी, पर मैं सिर्फ अनापानसति मेडिटेशन को ही प्रमोट करती हूँ। मैं इनके पॉइंट्स आपको जरूर बताऊंगी ताकि इसके विजुअलाइजेशन से आप अपने जो कैप्सूल्स आपने दबा कर रखे हैं ना ऑरा में, उसको रिलीज करें। मैंने एक दो बार किया, पर इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उसके कारण मुझे अड़चन आ रही है, मैं बताऊंगी आपको। मेरे एक दिन बहुत कमर में दर्द था और ये मैं बुक 2-2.5 महीने पहले पढ़ी थी, तो पहली बार तो मैंने उसको ट्राई किया था कि जब भी आप बीमार होते हो तो आप समझ जाओ कि आप या तो चिंता में थे या कोई आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जिससे आप हर्ट हुए हो। तो मैंने उसको दिन भर याद किया कि हाँ मुझे इसने हर्ट किया और मैं काफी देर तक के सोची थी और शायद उसी के लिए मुझे कमर में दर्द होगा। तो मैंने जॉय को फील किया, जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। एक बार किया कम हुआ, दोबारा किया पूरा चला गया। फिर जब मेरा ग्रैंडसन बीमार हुआ, दिवाली के पहले की बात है, तो मैंने इस जॉय का एक्सपेरिमेंट उस पे किया। उसको उसके घर रोज जाती थी, उसके साथ बहुत खेलती थी, बहुत खेलते थे मैं, ममता भाभी,
मेरे हस्बैंड सब उसके नए नए खिलौने लेके हम उसको खिलाते थे, और मैं परन को बोलती थी कि परन वो खाना खाएगा, वो दवाई तक के नहीं ले रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था, वॉमिट कर दे रहा था दवाइयों को भी, तो मैंने उसको बहुत खिलाया। रोज जाते थे हम डेली यहाँ से, शाम को सेशन के बाद में जाती थी। आप लोग को कहती थी ना मेरे सन मेरे ग्रैंड सन की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको जॉय में हम लोग रखते थे, उसने खाना भी खाया और दवाइयां भी डाइजेस्ट किया। तो मैंने अपनी डॉटर को समझाया कि बीमार है तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटा तुम रूम में जाओ बिस्तर में सो जाओ, उससे हीलिंग नहीं होगी, उसको जॉय तो आपको कराना ही पड़ेगा, उसको मस्ती। वो थकता भी था नानी माँ, फिर आके लेट जाता था, पर फिर हम उसके साथ मस्ती करते थे जैसे उसको थोड़ा सा एनर्जी आती थी। तो मैं आपको बताने का अर्थ ये है कि मैंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए, पूरे मैंने नहीं किए, पर हाँ इसको मैं बहुत अच्छे से करना चाहूंगी, क्योंकि जब आप लोगों के नोट्स के लिए मैंने इसको सेकंड टाइम पढ़ा दिवाली के टाइम में, तो मैं बहुत जॉय फील करती थी। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते थे तुमको क्या लॉटरी लग गई कि तुम इतने खुश रहते हो। मैंने कहा लॉटरी नहीं लग गई है, बस मैं अब समझ गई हूँ कि मेरी जॉय मेरी आत्मा का रिफ्लेक्शन है, तो मुझे खुश रहना है, मेरे पास क्या नहीं है, सब तो है, मैं क्यों दुखी हूँ। छोटी छोटी बातों पे हम लोग दुखी रहते हैं, बोलते एक रिंकल आ गया और बापरे रिंकल आ गया, नहीं जो है उसमें खुश रहो। तो ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूं आप लोग इत्मीनान से घर में आराम से करना। देखिए उन्होंने कहा है कि हमारे ऑरा में अतीत के कई जॉयस के एक्सपीरियंस समाहित हैं, जिनको हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा रिलीज कर सकते हैं। कैप्सूल्स है फॉर अपलिफ्ट इंटीग्रेशन अलाइनमेंट और हार्मनी के लिए हमको ये सब करना चाहिए ताकि आप नया महसूस करें। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी अब इस बात को मानने लग गए हैं। तो पहला क्या है स्टेप लिख लीजिएगा आप लोग को, अगर नहीं होगा तो खैर वीडियो में तो है आप लोग देख लेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए, रिलैक्स होइए, रिलैक्स मतलब 5-6 मिनट तक कुछ मत सोचिए, एकदम रिलैक्स हो जाना है, मन शांत हो जाए, ठीक है। फिर अपने जीवन के कोई ऐसी याद हो, कोई भी ऐसे इंसिडेंट जो आपको तुरंत याद आता है कि आप जब बहुत खुश थे। देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारे खुशी के बहुत अच्छे पल रहते हैं ना और जो हमारे दुख के बहुत एक्सट्रीम वाले रहते हैं, वो हमारे में सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड रहते हैं। तो आपको यदि मैं बोलूं जब आप बहुत खुश थे, चाहे वो 5 साल पहले की घटना हो, 2 साल पहले की घटना हो, या 6 महीने पहले की घटना हो, कोई भी जो आपको क्विकली याद आता है उसको आपको याद करना है। जस्ट रिमेम्बर उस एक्सपीरियंस को कि वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, उस समय टाइम क्या था, उस समय वेदर क्या था, आसपास का वातावरण क्या था, आप क्या पहने थे, आप कैसे दिख रहे थे और कौन कौन आपके साथ में थे, उस इंसिडेंट को याद करना है। धीरे धीरे गो स्लोली, हर चीज आपकी मेमोरी में क्लियर होते जाए, उस एक्सपीरियंस को री एक्सपीरियंस करो। ऐसा करो जैसे ये अभी हो रहा है, इसको 3 टाइम करना है। जब तक आपकी मेमोरी पूरी क्लियर नहीं हो जाती, जॉय बिल्कुल रियल ना हो जाए, तब तक क्या आपको करते रहना है। आपका माइंड बोलेगा, आपका लॉजिकल माइंड बोलेगा, अरे ये तो पास की घटना है, कहां आप भी तुम सोच रहे हो अभी हो रही है, या दूसरी कोई मेमोरी आके बोलेगी नहीं नहीं उस समय आपको किसी ने टोका भी था, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ भी कोई दूसरी मेमोरी को आने नहीं देना है, किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ उस मोमेंट को जॉयफुली फील करना है। तो हम कहते हैं हो सकता है कि तुम रोने लग जाओ, टीयर्स फ्लो हो जाए, पर उसको एक्सपीरियंस करते रहो और अपने मन की बिल्कुल मत सुनो। फिर दूसरा फेज इसका है, अपने जॉय के एक्सपीरियंस में देखो, पहले आपने ये किया 3 बार उसको किया, वो थोड़ा सा कट में हो गया था ना, तो मैंने फिर से लिखा था। अब इसका सेकेंड स्टेप है, पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, अब फिर से उस आनंद को अनुभव करें, लेकिन इस बार अपने अतीत को आनंद का अनुभव करने दें। मतलब आज मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूं, मान लीजिए मैंने अपने ग्रैंडसन का बर्थ को याद किया है ना,
अभी का मैंने 3 टाइम वो कर ली कि हाँ फिर से उसका बर्थ हुआ है और मैं खुश हो गई। फिर सेकंड स्टेप में कहता है कि उस समय को याद करो कि जब आपका जो पास्ट बीइंग, जो आपका अतीत उस समय अनुभव कर रहा था, वो कैसा अनुभव कर रहा था। इस बीच आप देखें कि उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा था, मतलब मेरे साथ ही क्या हो रहा था, जो अपने पिछले आनंद का अनुभव कर रहा था, पुनः अनुभव कर रहा है। देखें कि उसके मन, भावनाओं और शरीर के साथ क्या हो रहा है। दूसरों पर और एनवायरमेंट पर उसके आनंद के प्रभाव का निरीक्षण करें। बहुत धीमी गति से चलें और अपने अवलोकन अवलोकन को स्पष्ट होने का प्रयोग करें, मतलब उसको क्लियर करते जाए कि क्या क्या फील हो रहा था उस समय, क्या हो रहा था अभी का और उस समय पास का। इस एक्सपीरियंस में अगर आपको 2 घंटा भी रहना है, 2 घंटा तो बहुत ज्यादा है, पर 2 घंटा भी रहना है तो वो बोलता है रहने दीजिए, आप जब तक के सहज महसूस न करें आप उसी में ही करते रहें। और उन्होंने कहा है कि ये जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जितनी भी देर आपको करना है ये सेकंड फेज आप करते रहें, इसमें कुछ रूल्स बताए हैं इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं कराया। और वैसे भी ये सब चीजें बहुत इत्मीनान से करनी है, जल्दबाजी में मत करना कि हाँ वो बहुत अनुभव हुआ था, अच्छा अच्छा ठीक है, वैसा नहीं, एकदम फ्री ऑफ माइंड घर का काम हम करने के बाद आराम से आप करते जाना। तो रूल्स क्या है, वो तो कहते हैं कि पहले अपने साइकेट्रिस्ट वगैरह की, डॉक्टर वगैरह से पूछ लो। खाना खाने के 2 घंटे तक के आपको ये नहीं करना है, 2 घंटे के बाद करना है, रात के 10 बजे के बाद नहीं करना। मैं रात के 10 बजे के बाद मेडिटेशन बैठती थी, कब मैं करूं, या तो दोपहर को करूं आप लोग के साथ या सुबेरे करूं, है ना। तो आफ्टर 10 PM नहीं करना है। और अगर आपने आपने सेक्चुअली एक्ट किया है तो 6 घंटे के भीतर इसको नहीं करना है। जब जिस दिन आप बहुत थके रहें, एग्जॉस्टेड रहें, उस दिन भी आपको नहीं करना है, सिर्फ सो जाना है, इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करना है। और जब इस एक्सपीरियंस अनुभव को करें तो आप बहुत इत्मीनान से करें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करें। और एक अनुभव को आप 3 बार जरूर करें। और एक वीक में 3 अनुभव को करना है, कुछ ऐसा ही है। मैं आपको PDF भेज दूंगी, थोड़ा पढ़ लेना, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। फिर दूसरे एक्सपीरियंस, फिर दूसरे जॉय के, एक दिन में 3 बार, तो वो फिर दूसरे जॉय के एक्सपीरियंस में जाना। जैसे मान लीजिए मैंने एक बर्थ का बताया अपने ग्रैंडसन का, फिर दूसरे में जाना है, पहले उसी को ही आपको करना है। और जब भी आप हर बार जब आप ये एक्सपीरियंस का सेशन लेंगे तो व्हाइट लाइट को लास्ट में विजुलाइज करना है। व्हाइट लाइट आपके पूरे बॉडी के चारों तरफ है और आपके बॉडी के एक एक पार्ट में जा रही है। ये आपके अंदर शांति और कामनेस को लाने में मदद करेगा। और तुरंत आंख नहीं खोलनी है, थोड़ी देर के लिए आपको शांत बैठना है, अपनी बॉडी को टच करना है, याद करना है कि आप कहाँ हैं, आप बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे सहज होकर आप आईज को ओपन करें। उन्होंने कहा कि 7 एक्सपीरियंस होने के बाद, 7 एक्सपीरियंस अगर जब आप अनुभव कर लेते हैं तो 15 दिन तक के आप कुछ भी मत करें, रेस्ट करें, फिर उसके बाद आप ट्राई करें। ये एनर्जी 6 महीने तक के आपकी बॉडी में परसिस्ट करेगी। एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो इसको यूज किया था वो 15-20 मिनट किया था, शायद वो जो स्टेप वाइज बता रहे उसमें शायद वो इतनी एनर्जी क्रिएट होती होगी, इसी के लिए वो कह रहे हैं कि 15 डेज का गैप देना चाहिए। मैं PDF भेज दूंगी, प्लीज आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये भी महत्वपूर्ण है कि पास्ट को प्रेजेंट से आप कंपेयर मत करिए। मन भटकाए कि ये सुख पास्ट का है तो भी नहीं सुनना है। आपको याद रखना है कि देयर इज नो लिमिट फॉर अ फ्री सोल, आत्मा के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। जॉय पहले से ज्यादा और ज्यादा गहराई से महसूस की जा सकती है। ये याद रखिए कि अगर आप ये जॉय के एक्सपेरिमेंट को करेंगे और जॉय को याद रखेंगे तो इन्हें याद रखना सेविंग अकाउंट्स में पैसे जमा करने के समान है।
जो आपके फ्यूचर में अचीवमेंट्स में फ्यूचर के अचीवमेंट्स में काम आएगा। जैसे बैंक में से अपन इंटरेस्ट के साथ पैसा निकाल लेते हैं ना कि इतना पैसा जमा किए थे इंटरेस्ट आ गया, वैसे ही आपके ये जो जॉय की जो एनर्जी है वो आपके अचीवमेंट्स में काम आएगी। तो जॉय आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल अलग अलग लेवल पर महसूस की जा सकती है और एक साथ भी महसूस की जा सकती है, पर धीरे धीरे इनका आपको पता चलते जाएगा। अभी हमको नहीं पता चलता ना कि ये मेंटल लेवल पे है कि क्या लेवल पे है, धीरे धीरे पता चलेगा। आप भी करिए, मैं भी करूंगी। हम सोचते हैं कि जॉय फीलिंग है, पर जॉय एक सब्सटेंस है, एक इलेक्ट्रिक फायरी सब्सटेंस है, बताइए, जो फ्यूचर के फ्यूचर में मेजर कर पाएंगे। जैसे अभी हम नाप लेते हैं ना हर चीज को, वैसे कभी हम जॉय के भी एक ऐसे टूल्स बनेंगे जो मेजर कर पाएंगे। जॉय आपके नर्व चैनल, बोन्स में, मसल्स में, ब्लड स्ट्रीम में एक इलेक्ट्रिक फ्लो के साथ बहता है। जॉय आपको लाइट, हीट और कूलनेस देता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया था यहाँ पर कि एक लड़का था जो ड्रग्स और एल्कोहल लेता था और छोड़ नहीं पा रहा था, तो टॉरकॉम के पास आता है और बोलता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो टॉरकॉम उसको किसी और के पास भेज देते हैं। फिर वो लौट आता है और बोलता है कि नहीं, मुझे लगता कि आप ही मुझे ठीक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो 16-17 साल का लड़का था, मैं उसको रोज बैठाता था और उसको बोलता था कि अपने बचपन की वो यादों को याद करो, अनुभव को री एक्सपीरियंस करो जिसमें तुमको बहुत खुशी मिलती थी। बोली मैंने 6 महीने तक उसको रोज 2-2 घंटे कराया और धीरे धीरे उसका अल्कोहल वगैरह सब छूट गया और वो बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया। तो ऐसे बीच बीच में वो एग्जाम्पल देते जाएंगे। तो वो कहता है कि जॉय का उपयोग आप रोज उसकी प्रैक्टिस रोज करें, बच्चों को भी आप अपने सुबह और रात को थोड़े मोमेंट्स उनको जॉय के याद दिला के कराने की प्रैक्टिस करते रहे। जब आप खाना खाते हैं, जब आप कपड़े पहनते हैं, जब आप कार चलाते हैं, काम पर जाते हैं, गेट खोलते हैं, एक एक चीज अपनी फैक्ट्री में, ऑफिस में, हर चीज में आप जॉय को फील करो। आगे चल के बताऊंगी, एक चर्च में इसको बकायदा यूज किया जाता है। फिर उन्होंने एक सर्जन का भी उदाहरण लेके बताया था कि पहले तो सर्जन नहीं माना, फिर उसकी वाइफ से उसकी बनती नहीं थी, फिर जब मैंने, क्योंकि उसकी वाइफ उसको डिवोर्स तक के देना चाह रही थी क्योंकि वो इतना निराशावादी, इतना बोरिंग आदमी था, उसके ऑपरेशन भी अच्छे नहीं हो रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने उसको जॉय की प्रैक्टिस कराई तो वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया और उसकी वाइफ उसको बहुत प्यार करने लग गई। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने बताया है, एक एक्सपेरिमेंट तो हमने अपने ऊपर किया है ना, और दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको फटाफट बता रही हूँ, टाइम हो रहा है, कि कोई भी एक इवेंट को याद करो और किसी दूसरे के लिए उस व्यक्ति को देखो और अपने को भी देखो, जो व्यक्ति जॉयफुल था उसको देखो और अपने को भी देखो, वेदर देखो, टाइम देखो, जो लोग वहां पे थे और उस व्यक्ति को ध्यान से देखो जो जॉय में था। सबसे पहले उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से वो जॉय को फील कर रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या कैसे कर रहा है वो, याद करो और किस तरीके से वो, उसकी आवाज थी, किस तरीके से उसके वर्ड्स निकल रहे थे, किस तरीके से उसका बिहेवियर था, उस जॉय को, किसी दूसरे के जॉय को। जैसे मान लीजिए आप अपने, आपका बच्चा बहुत खुश हो रहा है, तो आप अपने बच्चे को याद करिए कैसे कर रहा था वो उस समय। तो कई बार उसकी यादों को देखते जाओ, फिर उसके जॉय को शेयर करो। आपको वो नहीं बनना है, मतलब आपको नहीं सोचना कि अरे मैं वो बच्चा हूँ, खुश हूँ, नहीं, वो बच्चा जो आपका खुश हो रहा था, जो जो से हंस रहा था, बहुत जॉयफुल था, उसके समान बनना नहीं है आपको, बस उसका जॉय को लेना है, शेयर करना है। जब बहुत बार जब आप उसके जॉय को शेयर करने में सक्षम हो जाओगे तो आप उस मेमोरी में चले जाएंगे, डिटेलिंग में चले जाएंगे, तब आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि कैसे आपने उसकी खुशी को अपने में और कैसे क्यों आपने उसके जॉय को लिया। मैंने अभी तक ये नहीं किया है, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा काम है आप लोग को बताना, आप लोग कर सकते हो, मैं अपने तक के ही अभी सीमित हूँ। तीसरा और भी कोई था एक्सपेरिमेंट, मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। कोई दूसरा व्यक्ति आपसे जॉय को शेयर करता है,
ऐसे करके कैप्सूल्स करके, जो हमारे कोई भी एक इवेंट को याद करना है या क्रिएटिव इमेजिनेशन के ऊपर बोला, जैसे मान लीजिए मुझे हायर वर्ल्ड्स में जाना है, वहां पर जीसस भी हैं, पत्री सर भी हैं, टॉरकॉम भी है, सब मेरे को प्यार कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे नीता बहुत अच्छा काम करके आई, ठीक है बेटा शाबाश शाबाश, और अगले अगले जन्म में और काम करना है ना, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ। तो अगर क्रिएटिव इमेजिनेशन करना है, अपने हायर डायमेंशन की लाइफ को क्रिएट करना है, इसलिए मैं बता रही हूँ ना, मटेरियलिस्टिक चीजों का मैनिफेस्टेशन में नहीं बताऊंगी, हायर वर्ल्ड्स का। अरे सोचो तो बिग सोचो, ये छोटी मोटी कार मकान ये सब चीजें फालतू चीजें हैं, फालतू नहीं है मतलब इसमें क्यों एनर्जी वेस्ट करना है। तो मैंने देखा जीसस भी है, टॉरकॉम भी है, सब है, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है ना, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे जब आप उस जॉय को फील करेंगे कि वो कैसे आपको, जब टॉरकॉम जीसस पत्नी सब आके आपको गले लगा रहे, तो मैं कैसे फील करूंगी, वो जॉय को फील करिए, आपके इससे आपकी आत्मा एक बड़ा कदम उठाएगी, आपको भविष्य में बहुत सारी उपलब्धियां मिलेंगी। बोले मैंने ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में किया था, टॉरकॉम कहते हैं, तो वहां पे बच्चों के ग्रेड बहुत सुधर गए और बच्चों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे। कविता नो चैट, तो मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत किया करो। मैं किसी का नहीं पढ़ने वाली हूँ विचार। तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी ऐसे करिए, फिर मैंने थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट नहीं लिख पाती थी। देखिए कितनी मजेदार बातें चीजें लिखी हूँ, एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जब आप कोई आदमी जॉयफुल रहता है तो उसको उच्च पद पे, मतलब हायर पोजिशन पे भी प्रमोटेड कर दिया जाता है। आपके IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जॉय है। जो सैड होते हैं, जो निगेटिव होते हैं, जो पैसिमिस्ट होते हैं, निराशावादी होते हैं, जो दूसरों को दुख देने में खुश होते हैं, वो कभी भी लीडर नहीं बन पाते। बच्चों को बचपन से ही एक हेवनली और अर्थली दोनों जॉय का महसूस कराना चाहिए ताकि वो भविष्य में अच्छे लीडर्स बन पाए। फिर उन्होंने दुख के बारे में लिखा है कि दुख कंटेजियस है, हर चीज एनर्जी कंटेजियस होती है, तो दुख की एनर्जी जो दुखी लोग हैं उनको, उनके लिए जॉय एक दवाई का काम करती है। हम लोग को लगता है, कई लोगों को, हम लोगों को नहीं, कई लोगों को लगता है कि खुशी या जॉय हमको अल्कोहल से, ड्रग से, सेक्स से, क्राइम करने से मिलेगा। तो वो कहते हैं, टॉरकॉम कहते हैं कि खुशी वहां है जहां आपकी हेल्दी लिविंग है, क्लियर थिंकिंग है, हार्मलेसनेस है, मतलब किसी को आप नुकसान नहीं करते वाणी से, विचारों से, है ना, समझ गए आप, किसी को कोई अहिंसा का मार, अहिंसा का मतलब सिर्फ मारना काटना नहीं, किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना, और आपकी सेवा से मिलती है। सेवा के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है। कल मैं उनके जब जर्नी ऑफ टॉरकॉम बता रही थी तो मैंने इतना बड़ा पॉइंट मैंने भूल गई थी, सॉरी, मेरे को सेशन के तुरंत बाद याद आया कि उनका अगर पूरी टीचिंग्स को देखें तो सबसे ज्यादा उन्होंने सेवा पर जोर दिया है, और इसीलिए शायद मुझे टॉरकॉम बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी सेवा से जुड़ी हूँ, और मुझे मेरे मन में जो सेवा करते हैं उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है। देखिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत लोग जीते हैं, पर जब आप आध्यात्मिक सेवा, क्योंकि ये सेवा का अर्थ ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ गरीबों को खाना खिलाओ, मंदिर में फूल माला चढ़ाओ, वो बोलते हैं सेवा एक्चुअल जो होती है वो होती है लोगों को ट्रुथ की तरफ ले जाना, उनको आत्मज्ञान की तरफ ले जाना। तो उनका पूरा जोर सेवा पर रहता है, सैक्रिफिशियल सर्विस पे, निष्काम सेवा, जहाँ पे आप अपना समय, अपनी एनर्जी, हर चीज का त्याग करते हैं, अपने अहंकार का त्याग करते हैं। और दूसरा जो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया, कल के पॉइंट पे मैं जोड़ लेना ना ये जर्नी ऑफ टॉरकॉम में, सेवा और दूसरा लॉ। वो कहते हैं इस दुनिया में लॉ ऑफ लव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वैसे ही लजरेव कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा नियम जो है वो प्यार का नियम है। तो चलिए, हम कहाँ थे और कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसे एक छोटा सा 5-6 साल का बच्चा था, वो उसकी मम्मी उसको डिनर के लिए एक प्लेट लाके देती है, बोले मैं भी बैठा हुआ था उनके घर में,
तभी उनका जो छोटा सा पपी था वो आता है और उससे छीन छीन के खाने की कोशिश करता है। तो बच्चा जोर जोर से हंसने लग जाता है और बच्चा उसको देते भी जाता है अपना खाना, है ना, और वो हड़प रहा है एकदम और खूब खुश हो रहा है बच्चा, जोर जोर से हंस रहा है। अब उसकी मदर आके उसको रोकना चाहती है कि ये क्या कर रहा है, डॉगी को दूर करो, रहता है ना मदर लोग का नेचर, क्यों अपना खाना दे रहे हो और डॉगी को दूर करो। तो डॉरकॉम बोलते हैं मैं इसको तुरंत चुप करा लेता हूँ, उसकी मम्मी को बोलता हूँ प्लीज प्लीज वेट, उसको करने दो, जो कर रहा है उसको करने दो। बोले कितनी देर तक के उसने डॉगी को खाना खिलाते रहा और वो बच्चे की प्लेट में से छीन छीन के खाता रहा, मतलब वो खाना नहीं खिला रहा था, हड़प रहा था, उसके गॉबल कर रहा था। तो बोले बच्चा जोर जोर से हंस रहा है, 5-6 मिनट के बाद जब पूरी प्लेट खत्म कर लिया तो बड़ा डॉग खुश और उसको चाटने के लिए आ रहा था प्यार से, तब तक कि उसकी मम्मी ने उसको उठा लिया उस बच्चे को और बोलती और टॉरकॉम को कि कितना अच्छा किया टॉरकॉम कि आपने मुझे रोक लिया, मैं जानती ही नहीं थी कि मेरा बच्चा इतना खुश रह सकता है, उसके मन में उसके दिल में इतना प्यार और जॉय है, मैं जानती ही नहीं थी। तो टॉरकॉम कहते हैं कि यही हम लोग करते हैं, इतनी सोसाइटी के नॉर्म्स नियम बना के रख लिए हैं हम लोगों ने कि हमारी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है कि सभी लोग उसके विक्टिम हो गए हैं। हम लोग को अपने जॉय की जो साइकोलॉजी है उस न्यू साइकोलॉजी को विकसित करना चाहिए, जीवन में इंजॉय जो प्रकृति ने हमको जॉय करने के इतने उपहार दिया है उसको सीखना चाहिए। पर हम लोग क्या है, स्वार्थ और अहंकार में अपने प्रोग्राम में फंसे हुए हैं, तो हमको फिर से बच्चे बनना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा बच्चों की दो विशेषता सबसे बड़ी है, पहली विशेषता है वो बहुत खुश रहते हैं, रोते रहेंगे, एक अगर खिलौना देख लिए, एक तितली देख लिए, एक फूल देख लिए तो वो तुरंत हंसने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वो उनकी खुशी उनकी जो जॉय है वो पहली विशेषता है। दूसरी बच्चों की जो विशेषता है वो है ग्रैटिट्यूड। इस दुनिया में जो सबसे बड़े कृतज्ञ होते हैं वो बच्चे होते हैं, वो थैंक यू नहीं बोलते, वो जॉय से एक्सप्रेस करते हैं, वो हर चीज को देख के अपनी खुशी से आभार प्रकट करते हैं इस यूनिवर्स का। पर हमारी कंडीशनिंग के कारण हम लालच अहंकार में फंस के हमारे बच्चे भी बहुत छोटी उम्र में ही इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। तो टॉरकॉम कहता है कि एक बार मैं ओल्ड एज होम गया, वहां पर 70-80-90 साल के लोग थे, सब मम्मीज के समान बैठे हुए थे, उदास एकदम, और कुछ लोगों से मैंने बात किया तो बोले बस हमको तो बस मरना है और जल्दी से जल्दी मौत आ जाए। बोली उन लोग को देख के फिर मैंने उनको कहा कि मैं तुमको एक डांस करना सिखाता हूँ जो बच्चों का डांस है। बच्चे जैसे एक के ऊपर एक एक साथ से ना पकड़े रहते ना हाथ को, पूरा घेरा बना के उनको डांस कराते हैं और बहुत देर तक के वो डांस कराते हैं अच्छी म्यूजिक में, उनकी म्यूजिक भी थी और सिंबॉलिकली डांस भी वो जानते थे, तो वो सब वैसे वाला डांस उनको कराते हैं। बोले उसके बाद उन लोग खुश होके जब डांस खत्म हो गया तो सब लोग आके मुझे थैंक्स बोलने लग गए और बोले टॉरकॉम तुम फिर से आना। बोले मैं तो नहीं जा पाया पर वहां की नर्स फोन करके मुझे बताई कि वहां के लोग इतने खुश रहने लग गए हैं और कहते हैं कि अब हमको जीने की इच्छा हो रही है। तो ये आप कर सकते हैं। तो जीसस ने भी कहा है कि मेरे किंगडम ऑफ गॉड में तब तक के प्रवेश नहीं करोगे जब तक कि आप बच्चे न बन जाओ। तो हमको बच्चों के समान फिर से बनना है। कुछ लोगों को याद भी नहीं रहता कि एक विशेष उम्र के बाद उनके जॉय के क्षण कैसे थे, सब पैसे की दौड़ में, काम के इतने लोड में, इतने अहंकार में फंसे हुए हैं कि आके टीवी देखना और अपने व्हाट्सएप और मेल को चेक करके सो जाते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा है कि जो ये हमारे जो साइकोलॉजिकली बैरियर्स हैं, हमारे मन में हमारे रुकावटें हैं, कुछ नेगेटिव शॉक वो कहते हैं कि जैसे कभी मान लो हम बहुत खुश थे, हमको किसी ने अचानक रोक दिया या इग्नोर कर दिया, हम खुश थे और किसी ने मुंह टेढ़ा करके चले गए, है ना, तो एकदम अपन इग्नोर हो गए, या वायलेंटली अटैक कर दिया, जैसे मान लीजिए वो बच्चा खाना उससे छीन रहा है वो डॉगी और उसकी मम्मी उसको छीन के ऐसे ले जाती, एक वायलेंटली अटैक हुआ ना, डॉगी को बाहर भगा दिया, बच्चे को उठा ली, तो वो उन सब के कारण हमारी जो करंट है, जो फ्लो है, वो ब्लॉक हो जाती है। पर यदि आप अपने जॉय को बढ़ाते जाए, उसके करंट्स को बढ़ाते जाए,
तो आपके वो सारे बैरियर धुल जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस को भी बैरियर कहा है। मैं फ्रेंड्स मैं उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है, मैं आप लोग को याद दिला दूं। जैसे एक मैंने कोई सीरियल देख रही थी या पता नहीं क्या देख रही थी, मुझे याद नहीं है, कुछ वीडियो था कि एक लड़की बहुत खुश होके जोर जोर से हंसते रहती है, तो उसकी मम्मी आके जोर से सब लोग के सामने चिल्लाती है कि तुम लड़की हो और लड़की को इतनी जोर से हंसना और दांत दिखाना शोभा नहीं देता। ये जैसे मान लीजिए कोई लड़की डांस कर रही हो तो कोई भी समारोह में, और उसके घर में आके उसको डांटती है कि ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता। समझ गए ना आप मेरे कहने का मतलब? ये होता है पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस जो हम बच्चों को अक्सर देते हैं, ये हमारे बैरियर है। अब वो लड़की कभी भी हंसेगी तो उसको याद आएगा कि उसकी मम्मी ने कहा था कि जो जो से हंसता नहीं दांत दिखा के लड़कियों को शोभा नहीं देता। तो ये जो सजेशन है वो बहुत बड़े हमारे बैरियर है, पर यदि हम अपने जॉय को बढ़ाते जाएंगे तो वो सब धीरे धीरे धुलते जाएंगे और वॉश आउट हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अपने पुराने दुख भरी यादों पर काम करने से अच्छा है कि आप अपने जॉय को इस तरह से इतनी तेज मात्रा में बांधो। जैसे मान लीजिए किसी को दुख है, किसी का बॉयफ्रेंड चला गया, किसी का हस्बैंड छोड़ के चला गया, तो उसको लगेगा कि मैं उस मेमोरी को, उस दुख को हटाऊं। तो डॉर्कॉम बोलते हैं उतनी एनर्जी मत वेस्ट करो, आप सिर्फ अपने जॉय को बढ़ाओ, इतना जॉय को बढ़ाओ, इतना करंट फ्लो हो जाए आपके में कि वो सारी यादें खुद ही विस्मृत हो जाए, खुद ही धुल जाए। इससे तुम्हारी जॉय की यादें जो रहेंगी ना, जो तुम जॉय पैदा करोगे, इसी जन्म में के लिए नहीं बल्कि कई जन्मों तक के आपकी मेमोरी में, आपके में स्टोर्ड रहेंगी अगर वो बाधाएं दूर हो गई। हाँ, गुड आइडिया, बिल्कुल। तो आपकी यादें सिर्फ इस जन्म नहीं, कई जन्मों के लिए आपके पास स्टोर्ड रहेंगे। ये और हमारे पास कौन सी बाधाएं हैं जैसे उन्होंने कहा, तो जैसे हमारे आप लोग को सुनाई दिया, अभी हुआ ना ब्लॉक म्यूट। उन्होंने कहा कि हमारी बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो जैसे हमारे कई जन्मों में जो हमारी दुख वाले क्षण थे, जैसे मान लीजिए हिंसात्मक मृत्यु हो, आपत्ति हो किसी को, मतलब डिसास्टर हुआ हो, क्या बोलते हो वो, छल हत्या, दुख की परतें, डिप्रेशन, कोई शारीरिक हमला, सेक्सुअली अब्यूज, पैसे की हानि या संपत्ति की हानि या कोई मित्र खो गया हो, तो सिर्फ इस जन्म की नहीं कई हमारे जन्मों की वो स्टोर रहती हैं। ये जो सारे बैरियर्स है वो हमारी जो ट्रेजर है, अंदर संपदा है, जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड को वो संपदा बोल रहे हैं, उसमें और हमारे तीन परमानेंट एटम्स के बीच में ये रिकॉर्डिंग बैरियर के रूप में जम जाती है। ये सेंटेंस आप समझे, जो भी हमारे पिछले जन्मों में और इस जन्म में हमारे साथ हादसे हुए हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और तीनों बॉडीज के परमानेंट एटम्स के रूप में, बाधाओं के रूप में ब्रेन में जम जाती हैं। तो जब आपका जॉय बढ़ता है तो आपका ब्रेन और इस संपदा के बीच में संवाद शुरू हो जाता है, आपकी जॉय और मेमोरी के बीच में क्लोज रिलेशन है। जितना आपका जॉय बढ़ते जाएगा आपकी मेमोरी बढ़ते जाएगी, तो जितने आपके वो जो बैरियर्स हैं वो सब धुलते चले जाएंगे। सिर्फ आपका काम है जॉय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। तो और कम कहते कि मैं कई परिवारों में जाके देखता हूँ कि टीवी में वो वायलेंस देख रहे हैं, मर्डर देख रहे हैं, सेक्स की मूवीज देख रहे हैं। दिमाग को दूषित करने से अच्छा है कि उनके परिवार को अपने टीवी और इन सब को, और खासकर फोन उस समय नहीं था पर मैं बोल रही हूँ मोबाइल वगैरह, सबको स्विच ऑफ करके थोड़े कुछ समय के लिए जॉय को फील करना चाहिए, पुरानी यादों, अपनी कोई मस्ती, उन सबको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर एक चीज जो मैं बोलने जा रही हूँ वो आप लोग समझिएगा, कल भी मैंने ये वाली बात बताई थी कि जब बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में एनर्जी हो जाती है और हमारी तीनों बॉडीज जब अलाइन और इंटीग्रेट नहीं होती है तो वो हमारे सेंसिटिव सेंटर्स में जाके उनको स्टिमुलेट करती है, उनको उत्तेजित करती है। जैसे मान लीजिए बहुत कोई मेडिटेशन करा और
अच्छा सर्विस नहीं कर रहा है या अच्छे थॉट से उसको नहीं बहा रहा है, तो हो सकता है कि उसके सेक्चुअल सेंटर्स में या कोई दूसरे सेंटर्स में जाके उसको स्टिमुलेट करे और उसकी गलत चीजों को बढ़ाए। तो उन्होंने कहा कि मोनेस्ट्री में क्या होता है कि टीचर्स अपने स्टूडेंट को एक मेडिटेशन के बाद पेपर्स में कुछ उच्च विचार लिखने को कहते हैं। इसका कारण ये है कि प्रेम की एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है, वो प्रेम की एनर्जी के रूप में आपके हायर सेंटर्स में डायरेक्ट हो, उस तरफ निर्देशित हो जाए, ताकि वो लोअर सेंटर्स में न जाए। ठीक है, अगर मूलाधार में गया तो डर या और सेक्चुअल वगैरह सबका सेक्रल में गया, या मणिपुर में गया तो अहंकार को बढ़ेगा, तो लोअर तीनों सेंटर्स में जाके ना जाके हायर सेंटर्स में जाए। तो हायर मोनेस्ट्री में मेडिटेशन के बाद लॉफ्टी थॉट्स लिखने के लिए कहा जाता था, उनको दौड़ने और स्विम करने के लिए भी ये उपाय दिया जाता था, ये एडवाइस दी जाती थी, क्योंकि एनर्जी बहुत है तो अलाइन और इंटीग्रेट नहीं रहे तो खराब हो सकता है। पर जब आप प्योर जॉय को महसूस करते हो, आपके जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट किया जो मैंने आप लोग को बताया, बहुत एनर्जी हो गई, तो अब आप बोलोगे अरे बाप रे ये भी तो एनर्जी है बहुत सारी, अब क्या होएगा, ये भी कहीं हमारे लोअर सेंटर्स को तो नहीं जाके एक्टिवेट करेगी। तो वो कहते हैं टॉर्कम ये पूरा जो समझा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके इस जॉय की एनर्जी के साथ ये खतरा नहीं है। प्योर जॉय इज अ स्पेशल विजडम, ये एनर्जी अगर बढ़ भी जाती है तो आप सेफ और प्रोटेक्टेड रहते हो, बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, चाहे कितनी भी आपकी जॉय की एनर्जी हो जाए, पूरा भर जाए पूरा सा तो भी नहीं होगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्पेशल विजडम मतलब आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। हो सकता है कि आप कोई म्यूजिक कंपोज करो या कुछ लिखना शुरू कर दो, कविताएं लिखना शुरू कर दो, या हॉस्पिटल में अपने किसी फ्रेंड के पास चले जाओ, किसी दोस्त की मदद कर दो, घर को साफ करो, डांस करो, इस तरीके से भी आप उसको एक अच्छे वे में कर सकते हैं। तो जॉय एनर्जी के बढ़ने से आपको खतरा नहीं है। उन्होंने कहा टॉरकॉम ने कि जब आपकी हाई एनर्जी बढ़ती है तो आप हायर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हो, आपकी जो ऑरा में कलरफुल रेज होती हैं, चमक आ जाती है, उससे एंजल्स और हायर मास्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। ये जॉय सेतु है आपके और आपके हायर वर्ल्ड का। पर हम जॉय एनर्जी तो बढ़ा लेते हैं, ठीक है, पर लीकेजेस भी हैं, तो वो लीकेजेस के बारे में बोलते हैं कि यदि आप जॉयफुल हैं पर थोड़ी देर के लिए यदि आप गॉसिप कर लेती हैं या किसी बुराई करने वाले छल कपट करने वालों के साथ होके बैठते हैं तो आपका पात्र, आपका कंटेनर खाली हो जाता है और आपकी पूरी जॉय की एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों से जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत ही दूषित है, रहते हैं ना कई लोग बहुत बुरे स्वभाव के रहते हैं, या ऐसे लोग जिन लोगों को कोई सेक्चुअली ट्रांसमिसिबल डिजीज के वाहक हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की एलिमेंट्स आपकी जॉय एनर्जी को के फ्लो को डिस्टर्ब कर देंगे। हाँ, इन लोग के साथ आप रह सकते हो, टॉरकॉम ने कहा कि यदि आपकी जॉय एनर्जी स्टेबल है और पावरफुल है, यदि आप भरपूर जॉय में हो, आपको इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे नेगेटिव लोग के साथ भी आप जा सकते हो, पर अगर आप पावरफुल आपकी जॉय एनर्जी है तो ही। फिर उन्होंने कहा है कि जो जॉयलेस लोग रहते हैं, जिनके में कोई खुशी नहीं होती है, वो ऐसा लगता है जैसे उनके में आत्मा ही नहीं है, सोललेस पर्सन के समान दिखते हैं। जो निष्काम सेवा करता है उनकी जॉय इंक्रीज होती है। हर रोज सोने के पहले आप अपने बॉडी में पूरी अपने जॉय से अपने को फिल कर लीजिए और उनको जॉय भेजिए जो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। जैसे हम ज्ञान भारत के सब लोगों को जॉय भेजेंगे आज से, ठीक है, हम अपनी भी बॉडी में डालेंगे और उनको भी भेजेंगे। कई लोग पिछले जन्मों से भी जॉय को लेके आते हैं। यदि कोई सेवा से जुड़ा है, जैसे मान लो कोई सेवा किया इस जन्म में, फिर और कई जन्मों तक के सेवा करता रहा, तो उसकी जॉय धीरे 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 बढ़ते जाएगी और फिर वो ऐसे पेरेंट्स को वो चुनेगा, जब उसकी जॉय दर जन्म बढ़ते जाएगी तो वो ऐसे पेरेंट्स को चुनेगा जो बहुत जॉयफुल होंगे और उसके
जॉय को फैलने के लिए भरपूर वातावरण देंगे ऐसा। क्योंकि जॉय क्या करता है, जन्म दर जन्म बढ़ता है, ग्रो करता है, ब्लूम होता है, फ्लरिश करता है, मतलब समझ गए आप लोग, फलता फूलता है, है ना। जैसे हम रीइनकार्नेशन जाते हैं कि ये एक फैक्ट है, ये एक सत्य है। तो अगर कोई आदमी खुश है या आदमी दुखी रहता है, उसका स्वभाव है, तो वो अपने कारण ही है। जॉयफुल व्यक्ति अगर कोई है तो उसने अपने आप में मेहनत किया होगा पिछले जन्मों में, इस जन्म में, क्योंकि इस पृथ्वी पर बिना श्रम के कुछ भी नहीं मिलता। तो टॉरकॉम कहते हैं अभी भी मौका है, फ्यूचर लाइफ को आपको सुधारना है, तो इस जन्म में जब आप जॉय के बारे में इतना जान रहे हैं तो इस जॉय की एनर्जी को बढ़ाइए। मैं एक यहाँ पर थोड़ा सा डिग्रेशन करूंगी, सिर्फ 2 मिनट का एक एग्जाम्पल दूंगी। मेरी एक क्लोज रिलेटिव है, मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगी, हो सकता है उसके पेरेंट्स देखें इस वीडियो को। तो यस यस प्रिया जी, तो वो, उसके पास बहुत पैसा है, उसके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उसके बच्चे अच्छे हैं, नौकर चाकर, इस दुनिया की जो भव्यता है, जो समृद्धि है, वो सब कुछ है। हेल्थ उसकी बहुत अच्छी रहती है, बस उसको एक ही प्रॉब्लम है, वो नहीं बताऊंगी, वो तुरंत पहचान जाएगी, क्योंकि वो लाइफ को बहुत सीरियसली लेती है। उसके बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके कारण मैंने उसको कभी हंसते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। मैं अगर उसके साथ आधा घंटा बैठ के बात करूंगी तो वो कभी मेज का रोना रोएगी, कभी ड्राइवर का, कभी किसी रिलेटिव का, कभी किसी और चीज का, मैं नहीं बताऊंगी। मतलब मैं आधा घंटा बैठती हूँ तो मेरे को लगता है मैं पूरी ड्रेन्ड हो गई हूँ उसके साथ। और फिर मेरे को लगा कि शायद ये मेरा वहम है, मैं ही सोचती हूँ, मेरे हस्बैंड ही सोचते हैं कि हाँ वो बहुत ही एकदम सैडिस्टिक टाइप की वो नेचर की है। उसको मैंने मेडिटेशन सिखाया, सब कुछ समझाया कि तुम लाइफ को सीरियसली मत लो, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वो जॉयलेस है। मतलब अभी आपको एक चीज मैं बताऊंगी ना तो आप समझेंगे कि जो जॉयलेस, मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्या कि जो जॉयफुल आदमी रहता है ना, उसके पास थोड़ा सा भी पैसा रहता है वो खुश रहता है, पर अगर जो जॉयलेस रहता है उसके पास अपार संपत्ति हो तब भी वो कैदी बन के ही रहता, वो कैदी बन के रह रही है इतने बड़े बंगलों में, इतने बड़े कारों की मालकिन होके, इतने नौकर चाकर सबके बीच में। मैंने सोचा मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे कई रिलेटिव्स, उसकी मेड, हर एक कोई मुझे बताता है वो बिल्कुल जॉयलेस है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं, तो मैं नहीं समझा सकती, ठीक है। तो जॉय आपका विजडम देता है, और यदि आप कंटिन्यू जॉय में रहते हैं तो आप किसी के लिए भी कोई बुरी भावना, नफरत, रिवेंज वगैरह नहीं कर सकते। टॉरकॉम कहते हैं आप एक एक्सपेरिमेंट करिए अपने साथ, किसी से नफरत है आपको उस समय, या कोई कभी कोई द्वेष भावना, कोई बुरी भावना अगर आपके में उठ रही है मन में, तो बोले आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, एक बुक उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको वो बुक समझ में नहीं आएगी, पर जब आप बुक को जॉय में पढ़ेंगे तो न केवल शब्दों के अर्थ बल्कि बुक का उद्देश्य और उस बुक के कोर को भी आप समझ पाएंगे। ये हजारों बार मेरे साथ हो चुका है। जैसे मान लीजिए मैं हर्ट हो गई या किसी से मुझे इरिटेशन हो रहा है, और मैं मोस्टली बुक्स ही पढ़ती हूँ रात के टाइम में, मेरे हस्बैंड टीवी देखते रहते हैं, तो मैं आईपैड खोल के पढ़ना शुरू करती हूँ, मैं नहीं पढ़ पाती, मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं एक ही पैराग्राफ को 3 बार पढ़ती हूँ तो भी मुझे नहीं समझ में आता। तो ये तो ट्रुथ है, आप भी कर सकते हैं। उपनिषद ने कहा है कि सेल्फ इज जॉय, मतलब सेल्फ इज जॉय मतलब हमारी आत्मा ही आनंद स्वरूप है। गॉड इज इनफाइनाइट ब्लिस, आत्मा सच्चिदानंद है ना, ईश्वर सच्चिदानंद है। तो ये जो हमारी आत्मा है उसी जॉय की एक किरण है, जो हम अपने जितना इस किरण को फील करते हैं, इस जॉय को, उतना हम ईश्वर के करीब रह होते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो जॉय में जीता है, जो जॉय को शेयर करता है, दूसरों को भी जॉयफुल बनाना चाहता है, वो उस ईश्वर की इच्छा यानी कि डिवाइन विल, उस ईश्वर की इच्छा शक्ति जो उस नहीं
ईश्वर की इच्छा शक्ति उसको मार्गदर्शित करती है, उसको गाइडेंस देती है, ठीक है। जो लोगों को जॉयफुल बनाना चाहता है, शेयर करना चाहता है, उसको ईश्वर भी गाइड करते हैं। उसके सेंटेंस हिंदी में थोड़े थोड़े गुदाते हैं। और डॉटकॉम कहते हैं, ब्लेस्ड है वो लोग जो विजडम ऑफ जॉय में, प्रकाश में चलते हैं, विजडम ऑफ जॉय के प्रकाश में चलते हैं। उनके चारों तरफ शील्ड बन जाता है जो उनके क्रिएटिव फोर्स का उपयोग करने योग्य बनाता है। अगर तुम अपने कोर में जॉय के साथ हो, मान लो आप जॉय में हो, अपने कोर के साथ बिल्कुल आनंद में हो, तो बोलते ना जैसे एक के साथ एक फ्री, बिल्कुल यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि आपके हायर वर्ल्ड्स भी आपको एडिशनल जॉय दे देते हैं। मतलब आप जॉय में हो, ऊपर से और आपको वर्षा हो जाएगी। कितनी अच्छी चीज है, मैं फील करती हूँ। जॉय हमारे कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करता है, इससे हमारे को सॉरी हमारे हायर वर्ल्ड्स अच्छे लोगों से हमारे संपर्क में लाता है, अच्छे लोगों को हमारे पास लाएगा ताकि हम और काम कर सके और अपने ऊपर भी अच्छे से कर सके। हीलिंग पावर ऑफ जॉय जो है वो है हमारे इम्पेरल और इरिटेशन को कम करता है। मैंने आपको बताया था इम्पेरल एक पॉइजन है जो इरिटेशन से पैदा होता है, वो हमारा जो जॉय है उसको कम करता है। बड़ी बड़ी बीमारियों से आप फाइट कर सकते हैं। जॉय और नागदौन का जो ऑयल है, बताई थी मैंने, वर्मवुड ऑयल, वो हीलिंग के लिए मिराकुलस परिणाम लाता है। जॉय आपके ग्लैंडुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को प्रॉपर काम करने के लिए देता है। और टॉर्कम कहते हैं कि भविष्य में हॉस्पिटल में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स बना जाएंगे जो पेशेंट को जॉय फील कराए ताकि उनकी हीलिंग तेजी से हो सके। जब आप जॉय में रहते हैं तो टेलीपैथिक मैसेज भी अच्छे से सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। लव और जॉय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जब जॉय के साथ लव भी जुड़ जाता है तब एक मिरेकल है। अगर आप सेक्सुअल एक्ट में जा रहे हैं और प्यार नहीं है तो वहां पर आपको निराशा होगी। लव प्लस जॉय प्लस सेक्स आपको एक्टसी आपके परमानंद के दरवाजे खोलता है। और सेक्स में एक्टसी उनको नहीं मिलती जो अपने व्यभिचार करते हैं, जो पार्टनर्स चेंज करते हैं, जो एक दूसरे के प्रति फेथफुल नहीं है, जिनके दिल बटे हुए हैं, वो एक्टसी को नहीं महसूस करेंगे। पर जो लोग एक दूसरे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए सेवा भाव जो रहता है ना, बलिदान देते हैं कि ठीक है तुम्हारे लिए मैं ये भी कर सकती हूँ, जो सैक्रिफिशियल और जॉयफुल रिलेशनशिप अगर लंबा रहे तो वो उनका जो सेक्स होता है वो एक्टसी के द्वार खोल देता है। इसीलिए सेक्स पवित्र है, आपको वो ट्रांसफॉर्म करता है। पर यदि कोई जॉय के बगैर सेक्स करता है तो उसके ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। लव और जॉय तभी आप उस एक्ट में जाइए। उन्होंने कहा है कि नहीं तो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आपकी आंख और कान दुख से प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी कैपेबिलिटी मतलब उनकी कार्य करने की क्षमता भी चली जाती है। अगर आप किसी को हैंड से दुख दे रहे हैं, अपने हाथों से मार पीट रहे हैं या कुछ, तो आपके हैंड्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है। टॉर्कम के टीचर के पास एक कसाई आता है और वो कहता है कि मेरे इस हाथ में बहुत सालों से दर्द है, मैंने डॉक्टर्स के पास गया और मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, आप मुझे ठीक करने के लिए बताइए। उनके टीचर कहते हैं कि तुम क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं कसाई हूं, शीप और बुल्स को काटता हूं। तो वही उसका कारण था। उसके टीचर उसको 6 महीने का टाइम देते हैं और रोज बुलाते हैं और जॉय की एनर्जी को उसके हैंड्स में प्रवाहित होने के लिए एक्सपेरिमेंट कराते हैं, था कुछ लंबा सा। बोले 6 महीने के बाद उस कसाई का दर्द भी गायब हो गया और उसने अपना काम छोड़ दिया था क्योंकि उसके हाथ में दर्द था। तो बोले उसने अपने ऊपर ठीक किया। तो लास्ट में एक पेज आप लोगों को बताना चाहूंगी क्योंकि ये पेज का मुझे बहुत था। देखिए वो कहते हैं कि जब आप टॉर्कम कहते हैं कि जब आप किसी से बात भी करते हैं तो जॉय से बात करिए,
और अपनी लाइफ में से पेनफुल मूवीज, पेनफुल पिक्चर्स, पेनफुल लिटरेचर, जो भी आपको दुख या चिंता देता है, उन सबको अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। साइकी एनर्जी और जॉय का बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए मैं आप लोग को ये बस पेज बता के एंड करूंगी। तो साइकी एनर्जी क्या है, समझ लीजिए हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं मानसिक एनर्जी, मानसिक ऊर्जा या स्पिरिचुअल एनर्जी है ना। तो वो कहते हैं कि जैसे समझ लीजिए साइकी एनर्जी सूर्य है, जॉय सूर्य की किरण है, दोनों साथ साथ जाते हैं। साइकी बिना जॉय के आप साइकी एनर्जी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। जॉय ही क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एनर्जी मतलब ब्रह्मांड से जमा करके व्यक्ति को इसके उपयोग करने का ज्ञान देता है। जैसे मैं जॉय में हूं तो जितने भी ब्रह्मांड में क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज है उसको मैं टैप करके मुझे यूज करना और उसको उसका ज्ञान देगा। समझ गया? तो बहुत से लोग सर्विस में हैं, बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं, ज्यादा से साइकी एनर्जी वो लोग खर्च कर देते हैं, मानसिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी वो खर्च कर देते हैं। इतने लोगों से आप कम्युनिकेट करोगे, बातें करोगे, उनको दोगे ज्ञान या उनको सेशंस दोगे, तो उसमें बहुत साइकी एनर्जी खर्च हो जाती है। इसके कारण उनके ब्लड में साइकी एनर्जी कम हो जाती है और इसलिए उनको खून संबंधित, ब्लड संबंधित परेशानियां भी होती हैं और कभी कभी कैंसर भी हो जाता है। समझ गए मैं इस पॉइंट को क्यों बताना चाह रही थी, है ना। कई हमारे मास्टर्स हैं जो मानवता की सेवा के लिए अपने आप को झोंक देते हैं, पर जॉय के द्वारा साइकी एनर्जी को रिस्टोर किया जा सकता है, उसको वापस लाया जा सकता है। इसलिए सर्विस में रहने वाले को हमेशा अपने आसपास जॉय से भरे हुए लोगों को रखना चाहिए, ताकि लोगों के, देखिए जो भी सर्विस में है उनके ऊपर लोगों के बहुत से अटैक होते हैं, तो ऑलरेडी उनकी साइकी एनर्जी कम होते चले जा रही है क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं। फिर जैसे उनकी एनर्जी कम होती है, साइकी एनर्जी, तो लोगों के अटैक बहुत इजीली हो जाते हैं, इसलिए वो कभी कभी डिप्रेशन, लोनलीनेस या दुख में गिर जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को, अपने ऐसे वर्कर्स, अपनी टीम को रखना चाहिए, ऐसे ग्रुप को रखना चाहिए जो उनके जॉय, उनके उत्साह, उनके एंथुसियाज्म से चार्ज करते रहे और थकाने वाली सेवा के बाद जो अटैक होता है उनसे बचा कर रखे। ऐसे साइकी एनर्जी उन थॉट्स के द्वारा जो ऐसे सर्विस में रहते हैं ना, अभी आप समझ जाइए कि साइकी एनर्जी खत्म किया, लोगों का अटैक हुआ और डिप्रेशन में चला गया, तो उसको टीम के मेंबर्स ऐसे रखना चाहिए जो खुश रहे, जो निगेटिव रहे, जो रोने धोने वाले रहे, जिन लोगों को हमेशा वो दिख रहा है उनको टीम से निकाल देना चाहिए, अपने आसपास भी नहीं रखना चाहिए। वो एक जिक्र कर रहे थे कि जब आपको कोई सेशन लेना हो तो आप कोशिश करिए कि आपके आसपास ऐसे लोग रहें जो आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं पहुंचाए। मतलब जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट मेरे साथ ऐसा, मैंने कैसे हुआ कि मुझे एक सेशन लेना था, बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, पर मेरी एक फ्रेंड का फोन आया और उसने इतने नेगेटिव कुछ चीजें बताई कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई। मैंने उस दिन सेशन लिया, आप ही लोग का था, लिया, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि मैं उस समय अपने सोल से कनेक्टेड नहीं थी, वो कट गया था मेरा सोल से कनेक्शन अच्छे से। तो जब उसके बाद मैंने उसको पढ़ा, तो उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मेरा सेशन हो उस दिन मैं किसी की काउंसलिंग नहीं करूँ उसके पहले, क्योंकि अपनी कई बार अपनी नेगेटिव चीजें बताते हैं तो कई बार हम थोड़े से अटैच हो जाते हैं ना, तो या ऐसे लोगों की फोन नहीं उठाऊं जिससे मुझे उम्मीद रहती है कि कोई नेगेटिव न्यूज आएगी। समझ गए? तो उन्होंने कहा है ठीक। ऐसे साइकी एनर्जी जिनके ऊपर, मतलब सर्विस करने वाले के ऊपर आती है ना, तो उनके पास
दोनों तरीके से काम कर सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों काम कर सकती है, एविल और गुडनेस। यदि जॉय मिक्स हो तो वो कल्याणकारी विचार लाएगा, और उसका जॉय का उपयोग एविल थिंकिंग के लिए कभी कर नहीं सकता। मैं क्यों बता रही हूँ उसको बता, जैसे मान लीजिए मैं जॉय में नहीं हूँ, है ना, मेरे पास साइकी एनर्जी आ रही है, जॉय में नहीं हूँ तो मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो मैं हो सकता है नेगेटिव एनर्जी से उसको अपने नेम फेम अपने पैसे के लिए यूज करना चाहूं, या समझ रहे हैं ना आप, गलत कामों में यूज करना चाहूं। पर यदि मैं जॉय में रहूंगी, अगर मैं जॉय में रहूंगी तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही चीजें करना चाहूंगी, लोगों को भला ही करना चाहूंगी, तो वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। फटाफट मैं 2 मिनट और लेती हूँ। उन्होंने कहा है कि आप अपने जॉय को बढ़ाइए। डॉर्कम कहते हैं कि आप अपने आसपास जितनी भी सुंदरता दिख रही है, सुंदर फूल, सुंदर कोई पोयम लिख दिया, किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, किसी ने सुंदर कोई पेंटिंग बना दिया, हर चीज को आप उस ब्यूटी को एडमायर करिए, उसको एंजॉय करिए, तो आपकी जॉय इंक्रीज होगी। हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड रखिए, जो भी चीज आपके पास है उससे भी आपका जॉय बढ़ता जाएगा। और जब आप अपने परफेक्शन अपने ऊपर काम करते हैं तब भी आपका जॉय बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे आप अपने आत्मा के निकट होते चले जाएंगे। और उनके टीचर ने कहा था कि जॉय को सबसे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है प्रशंसा करने के अभ्यास के द्वारा। फ्लावर है अगर आपके सामने आ रहा है तो आप प्रशंसा करिए कि कितना सुंदर फूल है, ट्रीज है, लोगों के ज्ञान है, गुण है, किसी के भी बुक्स है, पोएम्स है, ज्वेलरी, सब आप उसको डेली एडमायर करिए। पहले तो आप ब्यूटी को देख के आप खुश होते हैं तब आपका जॉय बढ़ रहा है, फिर आप जब उसको एडमायर करते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ज्वेलरी के पास ही जाके आप बोलिए, है ना, ज्वेलरी आप बोलिए बहुत सुंदर ज्वेलरी है, कितना सुंदर है, ऐसे करके आप जब बोलेंगे एडमायर करेंगे तो आपकी जॉय बढ़ेगी। तो हम कहते हैं कि आंख बंद करके, जरूरी नहीं है कि आपके सामने अगर नहीं भी है तो आंखें बंद करके आप 10-15 मिनट तक के रोज कोई भी चीज को याद करके, कोई भी ब्यूटी, कोई भी चीज को, किसी की अच्छी गुण, किसी की अच्छी पोयम को याद करके उसको एडमायर करते जाइए, तो आपका जॉय बढ़ते जाएगा। बच्चे बहुत एडमायर करते हैं हर चीज को, रोते हुए छोड़ के भी सब लोगों को देख के खुश होने लग जाते हैं। और टॉर्कम कहते हैं कि लंबी उम्र और स्वस्थ रहने का गुण आपको चाहिए तो वो एडमिरेशन है, वो आपका प्रशंसा करना है, पर थोड़ी देर की भी आलोचना गॉसिप करने से इस जॉय की एनर्जी को आप खत्म कर देते हैं। जॉय इज द फ्लो ऑफ ब्लिस, हैप्पीनेस इज द फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ जॉय, हमारे शारीरिक सांसारिक सुखों का नाम जो है वो खुशी है, पर आनंद हमारे ब्लिस का एक फ्लो है, और निर्वाणा हमारा गेट है ब्लिस का। इसीलिए जो निर्वाण में पहुंचते हैं, जैसे महावीर ने निर्वाण को महारथि कहा है, और सभी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि वो परम आनंद की स्थिति है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारा काम है जॉय को फैलाना। तो कुछ लोग डिप्रेस्ड होंगे आपके पहचान के या आपके घर में ही, जिनको याद भी नहीं है कि उनके खुशी के क्षण क्या थे, तो टॉर्कम कहता है कि आप उनके पास जाइए, उनको अपनी जिंदगी के कुछ जॉय के मोमेंट्स बताइए, अरे मैं वहां गया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, इतनी खुशी हुई थी मेरे को, इतना हंसा था, आप उनको अपने जॉय के मोमेंट शेयर करिए। फिर दूसरों के जीवन के जो जॉय के मोमेंट्स हैं उनकी जो सत्य कथाएं हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं किसी और के लिए बताऊं, मेरे ग्रैंडसन को उस समय इतना मजा आया था, इतना खुश हुआ था, किसी और के भी जॉय के मोमेंट्स को बताइए। फिर धीरे से उनकी मदद करिए कि अच्छा आपके भी कोई जीवन के कोई क्षण होंगे ना जब आप बहुत खुश हुए थे, कौन से थे सर बताइए तो सही, क्या थे आपके मोमेंट्स हो जब आप ग्रेटिट्यूड थे, बहुत ग्रेटफुल थे, जॉय में थे, तो हो सकता है बताया, या देश विदेश की कोई अच्छी खबरें बताइए। ये 4 पॉइंट्स बताए हैं, अपनी जॉय के मोमेंट्स बताइए, किसी दूसरे के जॉय के मोमेंट्स आप बताइए, उनसे पूछिए कि उनके जॉय के मोमेंट्स क्या थे, चौथा कोई देश विदेश की अच्छी खबरें आप बताइए। इन चारों में किसी में भी उनका इंटरेस्ट है तो आप समझ लेना आप सक्सेसफुल हो गए, उसको जॉय का एक
स्पार्क देने में। बोले बस इस टेक्निक को आप कुछ कुछ दिनों के बाद यूज करते रहो, जब आप मिलो फिर से उसको जॉय के मोमेंट से लाओ। इस तरीके से उसकी आप मदद कर सकते हैं, उसकी जॉय को आप बढ़ा सकती हैं। और इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि आप किसी के जीवन में खुशी लाए। तो यहां पर उनका पार्ट वन खत्म होता है, पार्ट टू मैं कल बताऊंगी जॉय एंड हीलिंग का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लंबा चला पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आज से आप लोग कोई भी मोमेंट, एक भी क्षण व्यर्थ मत गंवाना अपने बड़ी खुशियों के इंतजार में। जो भी छोटी खुशियां हैं उसको आप बिल्कुल भरपूर उपयोग करिए। मैं जब इस बुक को पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि जब मेरी छोटा सा फ्रिज आया था डबल डोर का, तब हम लोग बहुत खुश हुए थे, मतलब पूरा परिवार खुश था। जब हमारी मारुति 800 आई थी तब हम बहुत खुश थे। पर जब हम लोगों ने बड़ा फ्रिज लिया अभी कुछ सालों पहले, हम लोग बहुत खुश नहीं थे। हाँ आ गया, मतलब हम हर चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं। पहले हम कितना खुशी को जाहिर करते थे, मतलब गैदरिंग होती थी परिवारों में और शादियां भी होती थी, 4-5 दिन तक के नृत्य चल रहा है, मस्ती चल रही है, सब कुछ हो रही है। अब होटल में बस कुछ फंक्शन है, आइए खाइए खाना, चले जाइए, बस एनवेलप पकड़ाते हैं चले जाते हैं। वो खुशियां हम खोते जा रहे हैं। चलिए वो बड़ी खुशियों की तो बात छोड़ दीजिए, अपने परिवार में हम छोटी छोटी खुशियों को कहाँ महसूस करते हैं। तो सनसेट को भी देख के एडमायर करिए, खुश होइए। हर चीज जो आपके आसपास है उसको देख के खुश होइए। अभी जैसे जो एक व्यक्ति प्रवेश करेगा उसको देखकर मैं खुश होऊंगी, है ना। तो थैंक यू। यदि आप लोग को कोई क्वेश्चन, मैंने कहा ना क्योंकि उनकी आवाज मुझे आ गई थी कि वो आ रहे हैं, देखिए मैं कितना खुश हो गई उनके आने से, क्योंकि वो मेरे बैकबोन है, मेरी जॉय के सेंटर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और बिल्कुल मैं चाहूंगी कि कल आप लोग, थैंक यू, आप लोग को पसंद आया, आप लोग इसको अप्लाई भी करिए। मैं तो वैसे भी बहुत खुश रहती हूँ और जब आप लोग को बताती हूँ तब भी तो मैं बहुत खुश होकर बताती हूँ। मैं तो कर्म भी सिखाती हूँ तो हंस हंस कर सिखाती हूँ, मैं कहाँ कर्म बहुत सीरियस होकर सिखाती हूँ, है कि नहीं है। जॉय जो मेरे अंदर है वो मेरे पिछले जन्मों से आया है, जब मेरे पास बहुत कम पैसे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तब भी मैं बहुत खुश थी। और जब मुझे कोविड हुआ था, बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, वो 10 डेज जब मुझे लॉक करके रख दिया गया था इस फ्लैट में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी हेमा, हम तीनों को कोविड हुआ था एक साथ, तीनों लोगों ने उस 10-12 दिन में जो हमको गवर्नमेंट ने लॉक कर दी थी, जितना हंसी हूं आज तक के मैंने अपनी लाइफ में उतना नहीं हंसी हूं। हम देख रहे थे कि लोग हम लोग को कैसे आश्चर्य से बालकनी से देखते थे, अच्छा ये भुजवानी फैमिली, कोविड हो गया है इनको, तो हम बहुत हंसते थे। अपने घर के बाहर जो वो बोर्ड लगा हुआ था उसको पढ़ के उसका फोटो खींच के हम हंसते थे कि इस परिवार को कोई भी व्यक्ति अगर बाहर दिखे तो तुरंत सूचित करे, उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा इस परिवार के लोगों को। तब बहुत हंसी मजाक करे हैं और मैं खुश रहती हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। और जब से सर्विस में आई हूँ वाकई फ्रेंड्स मेरा जॉय बहुत बढ़ गया है। आप लोग की प्यार की एनर्जी मेरी जॉय को बढ़ाती है। तो थैंक यू। कल इसका हम सेकेंड पार्ट हम लेंगे और कल ही मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी, आज बहुत टाइम हो गया है। तो विदा लेती हूँ बिना आप लोग का कोई भी कुछ सुने हुए। और थैंक यू, आप लोग के चैट को मैं बिल्कुल सेव कर ले रही हूँ और रात को मैं जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग के चैट को पढ़ के उस जॉय को फील करना। थैंक यू। तो कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, शपक है।